हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। साहस का ये सीरीज़ आई होप बहुत आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। ये करेंट अफेयर का सीरीज़ जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो नए लोग हैं मैं उनको बता दूँ, यहाँ पे ये जो साहस की जो सीरीज चल रही है ये बाइलिंगुअल्स में आपको कवर कराई जाती है, यानी इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आपको यहाँ पे पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इसको बारीकी से कवर करते हुए चलेगा, अच्छे से समझते हुए चलेगा। सारे स्टैटिक्स पोर्शंस भी यहाँ पे आप लोगों को कवर कराए जाते हैं, डायग्राम से सारे न्यूज़ जो है वो आपको कवर कराए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है उसके बारे में यहाँ पे आपको अवेयर कराया जाता है। तो इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो भी अब से इस सीरीज़ में आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप देखा जा सके कि आपकी जो ब्रेन पावर है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, वो किस लेवल पे आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, और कितना आपको चीज़ें याद रहती है। क्योंकि बिना ऑप्शंस के यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर बिना क्वेश्चंस, बिना ऑप्शंस के अगर आप गेस कर पा रहे हैं सही आंसर, दैट मीन्स आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो, जो ब्रेन पावर है, जो मेंटल पावर है, जो याददाश्त रहने की जो क्षमता है वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसको लेकर के आपको कैपेबल बनते हुए चलना है और अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हुए चलना है। देखिए बहुत कम लोग सिर्फ आंसर दे रहे हैं, सिमरन दे रही हैं, पूजा दे रही है, लास्ट कल का अगर मैं बात करूँ तो बाकी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं लेक्चर्स को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग ले कमेंट सेक्शन में आंसर करके, चाहे जब भी वो ये वीडियो देख रहे हो। जरूरी नहीं कि जब सुबह 8 बजे ये वीडियो आ रही तभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ही आप आंसर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको ये वीडियो आप जब देख रहे हैं तो आपके पास जब भी मौका मिल रहा है इस क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और ताकि मैं उनको इवेल्युएट कर सकूं और जहाँ पे आपकी गलती हो उसको मैं सुधार सकूं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आगे स्टार्ट करते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सभी लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो एक इनिशिएट है ताकि आपके अंदर जो हिचकिचाहट है वो खत्म हो सके। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप उसको गूगल करके, सर्च करके एटलीस्ट उसके बारे में पढ़ें और कमेंट्स में फिर आंसर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ आपके सामने जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, जिसमें भारत का जो रैंक है वो 134 आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 193, कुल अगर देश की बात करूँ तो 193 देशों में से भारत का जो स्थान है 134वां स्थान है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे, ये इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, तो UNDP के द्वारा ये बेसिकली इसको जारी किया गया है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कि ये एक नवीनतम रिपोर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट है जो विश्व स्तर पर ये डेवलपमेंट विकास सूचकांक यहाँ पे जारी किया है। और भारत का स्थान अगर देखें तो 134वां इस बार आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं भारत के पड़ोसी राज्यों, पड़ोसी देशों की मैं बात करूँ, तो अगर चाइना की बात करूँ तो चाइना का स्थान इस बार है 75, श्रीलंका की बात करूँ तो 78 आप देख सकते हैं, भूटान की मैं बात करूँ, भूटान भी आप देख सकते हैं, भूटान भी आपका भारत के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, 125वें स्थान के साथ है रैंक है इसका। बांग्लादेश आपको 129 देखने को मिलेगा, तो बांग्लादेश से भी हमारा जो रैंक है वो नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हताश होने की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है हमारे भारत जो है वो एक डाइवर्स कंट्री आप देख सकते हैं, अगर आप पड़ोसी देशों से कंपेयर करें तो। यहाँ पे इनकेस पॉपुलेशन वाइज भी आप देखा जाए तो नंबर वन हमारा देश आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे चैलेंजेस आपको डाइवर्स कंट्री के होते हुए देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हर एक चीज़ों को हम उस लेवल पे हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं जिस लेवल पे हमसे हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। बाकी पूरा पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश देखिएगा तो कितने एरिया वाइज देखिए कितने छोटे छोटे ये सारे देश हैं, और हमारा भारत देख सकते हैं तो इस तरह के कितने 6-7-10 देश मिल करके आपके एक भारत का निर्माण करेंगे। तो फिलहाल आपको ये रैंक याद रखना है, 134 है, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 2023-24 का ये रिपोर्ट जो है इसका टाइटल जो रखा गया वो ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक रखा गया, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो भारत मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134वां है 193 कंट्रीज में, ये ध्यान रख सकते हैं। किसके द्वारा इसको जारी किया गया है, तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये बेसिकली रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई की टीम यहाँ पे रणजी ट्रॉफी यहाँ पे जीती है, और ये 2015-16 के बाद पहली बार यहाँ पे जीत हासिल यहाँ पे मुंबई टीम के द्वारा किया गया है। तो ये रिकॉर्ड यहाँ पे इनके द्वारा बढ़ाया गया है, 142वां रणजी ट्रॉफी यहाँ पे खेला गया है, और इन्होंने किनको हराया है, तो विदर्भा आप यहाँ पे देख सकते हैं,
तो विदर्भ को यहाँ पे 102 रन से यहाँ पे फाइनल में हराया है। कहाँ पे ये मैच हो रहा था, तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये 2015-16 में के बाद यहाँ पे पहली बार मुंबई ने ये ट्रॉफी हासिल की है। कर्नाटका जो पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, वो रणजी ट्रॉफी का खिताब 8 बार यहाँ पे जीत चुका है, देख सकते हैं। दिल्ली की मैं बात करूँ तो दिल्ली 7 बार ये खिताब यहाँ पे जीत चुका है टूर्नामेंट का। और बड़ौदा की मैं बात करूँ तो वो 5 बार ये खिताब जीत चुका है। तो टॉप तीन, जो अगर मैं टीम की बात करूँ तो टॉप थ्री टीम में आपका पहला कर्नाटका हो गया, फिर आपका दिल्ली हो गया, फिर आपका बड़ौदा हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे फिलहाल इस वर्ष का यानी 42वां रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल लेके गए हैं वो कौन लेके गया है, वो मुंबई लेके गया, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, आइए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये न्यूज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगला न्यूज़ जो है वो बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड है। ज्ञानेश कुमार और संधू जी के द्वारा यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं इलेक्शन कमिश्नर के रूप में। अरुण गोयल यहाँ पे रिजाइन दिए, सडन उनके द्वारा यहाँ पे रिजाइन दिया गया है, और उनके जगह पे ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू चुनाव आयुक्त यहाँ पे नियुक्त किए गए, देख सकते हैं। और ये बहुत जरूरी हो गया था, बहुत नियुक्तियाँ आवश्यक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे तुरंत अरुण गोयल के द्वारा अचानक इस्तीफे यहाँ पे दे दिया गया है, देख सकते हैं। अरुण गोयल बेसिकली 2022 से यहाँ पे कार्यरत थे इस जगह पर, और ये ECA से यहाँ पे इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, देख सकते हैं। मिस्टर संधू और मिस्टर कुमार दोनों एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, 1988 बैच के हैं। मिस्टर संधू की अगर मैं बात करूं, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड कैडर IAS अधिकारी से बिलोंग करते हैं। और मिस्टर कुमार की मैं बात करूं तो वो बेसिकली केरला कैडर के आप देख सकते हैं, वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करूँ, भारत के चुनाव आयोग की बात करूँ, तो इसके बारे में हमारे भारत के संविधान में 324 अनुच्छेद में इसके बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद से मेरा ध्यान आया कि अनुच्छेद आर्टिकल्स की सीरीज मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, 1 से 40 तक लगभग आपके अनुच्छेद जो है वो कंप्लीट होने के कगार पे है। आप लोग उस वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो जो है वो 3 से 4 मिनट की वीडियो है। थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए सभी लोग, आर्टिकल्स का रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टैटिक पोर्शंस का रिवीजन जब तक अच्छे से नहीं हो पाएगा, आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है क्वालिटी में, वो आपकी इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो आर्टिकल्स को अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए, 3-3, 4-4 मिनट का वीडियो है, उसको देखते हुए चलिए। और अच्छे से उसको अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना लीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हर एक आर्टिकल को इतना बार मैं रिपीट कर दूंगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगा। अभी फिलहाल वहाँ पे सीरीज़ में 1 से 39A तक मैंने आपको कवर करा दिया है, तो उसको जा करके एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, और उसका नोट्स अगर बना सके तो नोट्स बना लीजिएगा, ये ध्यान रखते हैं। तो ये एक संवैधानिक निकाय है जिसको अनुच्छेद 34 के 324 के तहत इसको यहाँ पे बताया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। असमानता सूचकांक जो है वो लिंग असमानता सूचकांक की बात यहाँ पे कही जा रही है, और ये 2022 का यहाँ पे जारी किया गया। ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, उसी के द्वारा जारी किया जाता है जिसके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था, ठीक है, दैट इज UNDP। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये यहाँ पे ये जो सूचकांक है ये जारी किया गया है, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 का, जिसमें भारत का स्थान आप यहाँ पे देख सकते हैं 108 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कितने देशों में, 193 देशों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कोर जो भारत का है वो कितना है, 0.437 आप यहाँ पे देख सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134 था, और यहाँ पे असमानता सूचकांक में आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का स्थान 108 है। कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ये असमानता सूचकांक है, वो आपका विकास सूचकांक था, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर पिछले ईयर की मैं बात करूँ, 2022 का यहाँ पे ये रिपोर्ट जारी किया गया है, 2021 की मैं बात करूँ तो भारत का स्थान 2021 में 122 था, आप देख सकते हैं 122 से 108 हुआ है, और ये 191 देशों की ये बात है। और उस समय जो स्कोर हुआ करता था वो भारत का 0.490 हुआ करता था, ये ध्यान रख सकते हैं। 2021 की बात यहाँ पे कही जा रही है असमानता सूचकांक को लेकर के, ये ध्यान रख सकते हैं। टॉप कंट्री की अगर मैं बात करूं तो टॉप में आप देख सकते हैं इस सूचकांक में सबसे ऊपर में जो है वो डेनमार्क है, फिर सेकंड नंबर पे नॉर्वे आपको देखने को मिलेगा, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड है, फोर्थ नंबर पे स्वीडन, और फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड आप यहाँ पे देख सकते हैं। टॉप 5 देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको ध्यान रखें या ना रखें, पहला जरूर ध्यान रखते हुए चलेगा जो कि डेनमार्क है। और भारत का स्थान कितना है, 108 है, स्कोर कितना है, 0.437। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा असमानता सूचकांक को लेकर के यहाँ पे
जारी किया गया UNDP, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में यहाँ पे इस सूचकांक को जारी किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आई होप आ रहा होगा आप सभी लोगों को। अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं सार्क की तस्करी, यानी सार्क का जो बॉडी पार्ट्स है उसको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूज़ किया जाता था बिजनेस को लेकर के। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है कहाँ होता था, तमिलनाडु में आप देख सकते हैं 65%, ये इस तरह के हादसे आपको देखने को मिलते हैं जनवरी 2010 से 2022 तक की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो 16,000 किलो सार्क के फिन जो है वो भारत में पकड़ी गई है लास्ट 12 सालों में देख सकते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ से पकड़ी गई है, तो 65% तमिलनाडु से आप देख सकते हैं जिसको पकड़ी गई है। इसके बाद कर्नाटका में तस्करी होती थी, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। और इसको कहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था, किन किन देशों में, सिंगापुर में हो गया, हांगकॉन्ग में हो गया, श्रीलंका में हो गया, चाइना में हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था। तो उसी को लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं अवैध व्यापार यहाँ पे हुआ करता था, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है वो किसका है, तमिलनाडु का। आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्य जो है वो सबसे पहले स्थान पे है, शरीरों के अंगों के अवैध व्यापार यहाँ पे इनके द्वारा किया जाता था। ये किसके द्वारा जारी किया गया, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक एंड WWF के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि इंडिया लगभग 16,000 किलो जो है सार्क फिन का यहाँ पे जो कि 80% सार्क का यहाँ पे सीज किया गया है कहाँ पे, और ये इसको विश्लेषण में प्रलेखित भी किया गया, इसको डॉक्यूमेंट किया गया। ट्रैफिक और WWF की मैं बात करूँ, तो ये एक तरीके से जो अवैध वन्यजीव व्यापार चल रहे हैं उसको ये ट्रैक करता है, उसको ये हाईलाइट करता है, उस पर ये जो चल रहे संघर्ष है उस पर ये प्रकाश डालता है। ठीक है, ट्रैफिक एंड WWF से क्या समझते हैं, तो WWF हो गया वर्ल्ड वाइड फंड की बात यहाँ पे कही जा रही है, और ट्रैफिक की बात करें तो ट्रेड रिकॉर्ड्स एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, आप देख सकते हैं इसका फुल फॉर्म है वाणिज्य में वनस्पतियों और जीवों का व्यापार रिकॉर्ड विश्लेषण, आप देख सकते हैं ट्रैफिक। और वाइल्ड ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक बेसिकली वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क है जो विश्व स्तर पर गैर सरकारी संगठन है, विश्व स्तर पर गैर सरकारी संगठन है देख सकते हैं, जो जंगली पौधों जानवरों के व्यापार की निगरानी करता है, मॉनिटर करता है, ये है ट्रैफिक देख सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड की मैं बात करूँ तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो नेचर इंडिया भारत के अग्रणी संरक्षण संगठनों में से एक है। ठीक है, और ये बेसिकली इसको पूरी तरह से डिवोट किया गया है प्रोटेक्ट करने को लेकर के, 50 से अधिक वर्ष हो गए हैं, प्राकृतिक विरासत और पारिस्थितिकी की रक्षा और सुरक्षित करने के लिए समर्पित रूप से ये बेसिकली काम कर रहा है। तो देख सकते हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है एक तरीके से जो इलीगल ट्रेड हो रहे हैं वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट्स का, तो उसी को लेकर के ये बेसिकली इसके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है, सिक्योर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा ट्रैफिक से रिलेटेड और यहाँ पर WWF से रिलेटेड। अगला न्यूज़ यहाँ पे महाराष्ट्र से रिलेटेड है, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी कितनी बार मैंने बता रखा है कि आर्टिकल 370 अब हटाया जा चुका है, यानी कब ये हटा था, तो ये 31 अक्टूबर 2019 को ये बेसिकली हटा था, जिसको बाद राज्य जो जम्मू कश्मीर था वो आपका ब्रेक होकर के यानी दो केंद्र शासित प्रदेश में कन्वर्ट हो गया है, एक का नाम जम्मू है दूसरे नाम का लद्दाख, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जब से 370 आर्टिकल हटा है तब से हर एक कोई जो है वो एलिजिबल हो गया है जम्मू एंड कश्मीर में अपने अपने लैंड को परचेज करने को लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पहले 370 के वजह से किसी के पास ऑथराइजेशन नहीं था कि वहाँ पे वो क्या कर सके, बेसिकली जमीन खरीद सके, लेकिन अब यहाँ पे महाराष्ट्र पहला राज्य यहाँ पे बन गया है जो कश्मीर में जमीन खरीदा है वहाँ पे भवन बनाने को लेकर के टूरिस्ट के लिए। कितना एकड़ में ये जमीन है, तो 2.5 एकड़ में आप देख सकते हैं, इचकाम में ये आपको देखने को मिलेगा, श्रीनगर एयरपोर्ट के पास आप यहाँ पे ये भवन जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्ट होगा। तो भारतीय राज्य यहाँ पे बन गया पहला महाराष्ट्र, और यहाँ पे बेसिकली ये जो जमीन खरीद रहा है वो जम्मू कश्मीर में एक तरह से टूरिस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करने को लेकर के
दिया जा रहा है। 2.5 एकड़ का ये जमीन जो है वो श्रीनगर एयरपोर्ट के पास है और जो महाराष्ट्र भवन को लेकर के यहाँ पे इसका निर्माण शुरू होगा। ये लैंड जो है वो अप्रूवल के लिए 8.16 करोड़ यहाँ पे लगेंगे एकनाथ शिंदे के द्वारा। यहाँ पे जब विजिट किया गया और मीटिंग किया गया गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, तब ये बातें यहाँ पे निकल करके आई। तो 8.16 करोड़ के भूमि हस्तांतरण को यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। तो ये चीज़ें कब से आपको देखने को मिलेगा, ये 370 के निरस्त होने के बाद से, एब्रोगेशन आप देख सकते हैं, रिमूव देख सकते हैं, तो हटने के बाद से जो जो भी गैर निवासी हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, वो भी अब यहाँ पे ज़मीन के मालिक बन सकते हैं, जिससे यह ऐतिहासिक खरीद संभव हो सका है। देख सकते हैं उसी को लेकर के ये आपका न्यूज़ था, ये ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे यूपी के जो स्टेशन है उसके नाम यहाँ पे बदल दिए गए हैं। फिलहाल 8 के नाम आपको मैं बताऊंगा, जिस तरह से कल भी हम लोगों ने कवर किया था। चलिए मुझे बताइए, कल हम लोगों ने एक राज्य का देखा था, तो किस राज्य का यहाँ पे स्टेशन का नाम चेंज करके दूसरा नाम रखा गया है? कल के डेट में हम लोगों ने पढ़ा था, आज दूसरा राज्य के बारे में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, आज जो है वो कौन सा राज्य है, वो यहाँ पे यूपी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे यूपी के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अकबरगंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका नाम बदल करके भवानी धाम रख दिया गया है। फुलसतगंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम कर दिया गया है। और ये बेसिकली केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी यहाँ पे दी है। ठीक है, नाम बदलने का उद्देश्य स्थानीय मंदिरों, संतों, मूर्तियों और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कदम है एक धार्मिक पर्यटन को क्या करता है, बढ़ावा देता है और क्षेत्र में सामुदायिक पहचान को स्वीकार करने के प्रयासों को दर्शाता है। देख सकते हैं उसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज़ है। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है वो यूरेशियन, यानी आप देख सकते हैं भारत जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे साझा किया है किन किन देशों के साथ, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। देख सकते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो कजाकिस्तान हो गया, बेलारस हो गया, किर्गिस्तान हो गया, आर्मेनिया हो गया। तो यहाँ पे भारत के द्वारा यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे इस पर विचार कर रहा है, किसके साथ, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात यहाँ पे कही जा रही है। इंडिया जो है वो पूरी तरह से सीरियसली कंसिडर किया जा रहा है। गंभीरता से यहाँ पे विचार कर रहा है और साथ में मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत शुरू कर रहा है। ठीक है, ईयू की अगर मैं बात करूँ तो ये एक क्या है, आर्थिक संघ है, देख सकते हैं इकोनॉमिक यूनियन है, जिसमें यूरेशिया में स्थित 5 यहाँ पे स्वदेशी सोवियत राज्य भी शामिल है। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो हो रही है वो एक तरह से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इसके जो मेंबर हैं वो कौन कौन से, आर्मेनिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेलारूस देख सकते हैं, कजाकिस्तान देख सकते हैं, किर्गिस्तान देख सकते हैं, रूस देख सकते हैं, ये सारे जो देश हैं वो इसके अंतर्गत शामिल हैं। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला दिवस जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बेसिकली किसके द्वारा यहाँ पे मनाया जाता है, तो राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से ये बेसिकली प्रेरित होकर के विश्व स्तर पर इसको 15 मार्च को ये दिवस जो है वो अमेरिकन कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दे को संबंधित किया था। तो देख सकते हैं ये कॉमन कॉमर्स कंज्यूमर राइट के इशू को एड्रेस किया गया था इनके द्वारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 15 अगस्त 1962 को स्पेशल मैसेज जो है वो यूएस कांग्रेस को भेजा गया था। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट जो है पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया, तो विश्व स्तर पर पहली बार इसको 1983 में सेलिब्रेट किया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। और ये एक तरह से वैसा प्लेटफॉर्म है जो एक तरह से लोगों को अवेयरनेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण से बचाने के लिए एक मंच के रूप में ये बेसिकली क्या करता है, कार्य करता है। तो कंज्यूमर राइट्स दिवस आप यहाँ पे देख सकते हैं, उपभोक्ता दिवस यहाँ पे 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, देख सकते हैं। अगला न्यूज जो है बेस्ट क्रिटिक्स अवार्ड से रिलेटेड है। पहला मूवी आप यहाँ पे देख सकते हैं 12th Fail, और दूसरा मूवी की अगर मैं बात करूँ तो कोहरा, इनके द्वारा यहाँ पे क्रिटिक्स च्वाइस अवार्ड यहाँ पे जीता गया है। देख सकते हैं 12th Fail की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही मज़ेदार ये मूवी है, 6 क्रिटिक्स च्वाइस
अवार्ड परवीन फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का यहाँ पे इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया है। विधु विनोद चोपड़ा द्वारा इसको निर्देशित किया गया था और विक्रांत मेस्सी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का यहाँ पे पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, इसके बाद सुदीप शर्मा का कोहरा अगर मैं बात करूँ तो वो एक अपराध श्रृंखला श्रेणी में पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। किस श्रेणी में दिया गया है? तो ये बेसिकली क्राइम सीरीज कैटेगरी में इसको जीता दिया गया है। इसको चॉइस अवार्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो भारतीय वेब श्रृंखला में शीर्ष कथाओं पर यह क्या करता है, प्रकाश डालता है। 2024 सेरेमनी यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था जिसमें भारतीय सिनेमा को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग भारतीय सिनेमा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था और यहाँ पे वेब सामग्री का जश्न भी मनाया गया था, विविध कहानी कहने को बढ़ावा भी दिया गया था। तो देख सकते हैं ये सारे के वजह से यहाँ पे इनको कोहरा हो गया, भारत फेल हो गया। ये सारे अवार्ड जो हैं वो इनको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, अदानी पावर के द्वारा यहाँ पे एक प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, देख सकते हैं अदानी ग्रीन ऊर्जा ने एनर्जी ने गुजरात में पवन ऊर्जा परियोजना का यहाँ पे संचालन किया है। देख सकते हैं इसको ऑपरेशनलाइज जो किया गया था 126 मेगावाट से, आप देख सकते हैं 300 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट यहाँ पे गुजरात में इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। 300 मेगावाट की पवन परियोजना में से 126 मेगावाट का परिचालन यहाँ पे कर दिया गया, देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करूँ तो यहाँ पे 1091 मिलियन बिजली यूनिट यहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, और इसके साथ साथ अब एक पाल की मैं बात करूँ जो एक एजल की सहायक कंपनी है, उसने भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय पोर्टफोलियो को 9604 मेगावाट तक मजबूत किया है, देख सकते हैं। एजल जो है वो एक तरह से देखिए स्टैटिक पोजिशन है थोड़ा सा एजल के बारे में, AZEL के बारे में, तो ये एक तरह से हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने नेतृत्व को क्या कर रहा है, मजबूत करता है। इसके साथ साथ 12 राज्यों में अपनी नवीकरणीय ऊर्जा को पद चिन्ह और 9.5 गीगावाट से अधिक एक तक विस्तृत किया है, देख सकते हैं। उसी से रिलेटेड ये बेसिकली आपका न्यूज़ है। तो 300 मेगावाट का यहाँ पे प्रोजेक्ट है जिसमें से 126 मेगावाट यहाँ पे चालू किया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं, ऑपरेशनलाइज यहाँ पे किया गया है। अगला न्यूज़ जो है वो इरेस्मस प्राइस से रिलेटेड है, यहाँ पे अवार्ड दिया गया है अमित घोष को, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली न्यूज़ है। 2024 का ये अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया है। यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के? तो इनकी जो घोष ग्रह संकट और जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है, इनके द्वारा ये प्राइज इनको दिया जा रहा है। और ये बेसिकली जो प्राइज़ है ये कहाँ पर दिया जा रहा है? तो यहाँ नीदरलैंड में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम नीदरलैंड की जो अगर मैं बात करूँ तो प्रीमियम इरेस्मियम फाउंडेशन मानविकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान या कला के क्षेत्र में किसी संगठन या व्यक्ति के असाधारण योगदान को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो ये जो प्राइज था ये किसको दिया गया था? तो साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन को दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका कॉमेडियन जो है जिनका नाम ट्रेवर नोआ है उनको ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया था, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इस साल ये अवार्ड जो दिया गया वो अमिताभ घोष को दिया गया, ये ध्यान रख सकते हैं। इनके जो कंटेंट्स होते हैं, इनके राइटिंग जो होती है वो एक एक्सेप्शनल होती है और उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, अगले न्यूज़ की तरफ बात करें, न्यू एयरलाइंस यहाँ पे तैयार है फ्लाई करने को लेकर के जिसका नाम है फ्लाई 91। ठीक है, ये बहुत ही जल्द इसकी शुरुआत होने वाली है, परिचालन शुरुआत होने वाली है। और कब से ये शुरुआत होने वाली है? तो ये बेसिकली 18 मार्च से इसका परिचालन जो है वो शुरू होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एयरलाइन है इसका समर्थन किसके द्वारा है? तो मनोज चाको के द्वारा है, देख सकते हैं। 6 महीने में अपने बड़े को 2 से 8 ATR 72,600 विमान तक विस्तारित करने की योजना के साथ इसको लॉन्च किया गया है। फ्लाई 91 की वाणिज्यिक सेवाएं 18 मार्च से शुरू होगी। कहाँ कहाँ पे किस रूट में ट्रैवल करेगा? तो गोवा से बेंगलुरु देख सकते हैं, हैदराबाद देख सकते हैं, यहाँ पे गोवा से लक्षद्वीप भी आप देख सकते हैं। उद्घाटन के बाद गोवा को बेंगलुरु से हैदराबाद से जोड़ता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, क्षेत्रीय वाहक है जो पूरे भारत में Tier 2 और Tier 3 शहरों के से हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने का ये बेसिकली क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो उसी से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करेंट अफेयर। आई होप आप बहुत अच्छे से इंजॉय किए होंगे आज की क्लासेस को।
अच्छे से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलिएगा। रिवीजन बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जो तैयारी आपकी लगी हुई है, जो फ्लो बना हुआ है, उस फ्लो को टूटने नहीं देना है। अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर सकें, बाकी लोग भी ये क्लासेस जो है वो अप टू डेट यहाँ पे कवर कर सकें। ठीक है, तो ये था पूरा आज का करंट अफेयर। प्लेलिस्ट का ऊपर में आपको आर्टिकल्स का दिख रहा होगा, जा करके सभी लोग एक एक प्लेलिस्ट देखेंगे, तीन 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 से 4 मिनट का सारे वीडियोस हैं, तो उसको देख करके कदम कीजिए। एक तरह से आपका रिवीजन भी होता हुआ चलेगा। जितने भी लोग हैं मैं सभी को कह रहा हूँ, ठीक है, और अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। तो हाल ही में चर्चित डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 में से किससे के द्वारा जारी किया गया है, देख सकते हैं डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 का किसके द्वारा जारी किया गया, ये आपको बताना है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है, देख सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किस और डिपार्टमेंट के साथ, मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किया है, वो आपको बताना है। अगला है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, ये आपको बताना है। नॉर्दर्न कोलफील्ड की बात यहाँ पे कही जा रही है। प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यहाँ पे मनाया जाता है, तो ये वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो किस दिन मनाया जाता है, ये आपको बताना है, कब मनाया जाता है। रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, ये आपको बताना है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने आज ही के लेक्चर में कवर किए हैं, तो अच्छे से अगर आपने सुना होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी लोग हैं जिन जिनको आंसर नहीं पता, गूगल कीजिए, रिवाइज कीजिए और फिर आंसर कीजिए, आइए इस तरह से आपको रिवाइज भी होता हुआ चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।